गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ क्लास 7th इंग्लिश टेक्स्ट बुक। ये हमारे चैप्टर्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा है जिसके मन में 3 सवाल हैं एंड ही इज़ सीकिंग। सीकिंग मतलब होता है खोजना। वो उनके आंसर्स खोज रहा है, मतलब उनके जवाब खोज रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स, राजा को जो चाहिए वो उसको मिलता है या नहीं मिलता। 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। राजा के मन में एक बार थॉट आता है, थॉट मतलब क्या होता है, विचार। दैट ही वुड नेवर फेल, राजा कभी भी फेल नहीं होगा, इफ, अगर ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसको 3 बातें पता चल गई तो। क्या है वो 3 बातें? दीज 3 थिंग्स वर, वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या होता है, सही समय क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, सेकेंड सवाल उसके मन में आता है, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आता है, वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। राजा के पास तो बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कौन सा है जिस पर राजा को ध्यान देना चाहिए। ओके, द किंग देयरफोर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। इसीलिए, देयरफोर मतलब होता है इसलिए, राजा इसलिए मैसेंजर्स को सेंड करता है थ्रू आउट हिज किंगडम। थ्रू आउट मतलब होता है हर जगह, अपने राज्य में, अपने किंगडम में हर जगह मैसेंजर्स को सेंड करता है। मैसेंजर्स कौन होते हैं? संदेशवाहक, जो कोई भी मैसेज राजा तक पहुंचाते हैं। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, राजा उनको प्रॉमिस करता है मैसेंजर्स को कि वो उनको लार्ज सम ऑफ मनी मतलब बहुत सारे पैसे देगा, जो भी, टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो भी राजा के पास सही जवाब लेकर आएगा वो उसको बहुत सारे पैसे देगा, ठीक है। मैनी वाइस मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत सारे वाइस मैन, वाइस मैन क्या होता है, बुद्धिमान लोग, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आते हैं, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन वो सभी लोग राजा के क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग देते हैं। डिफरेंटली मतलब क्या होता है, अलग अलग, ठीक है। कैसे अलग अलग देते हैं? इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अब उसको फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई मिलता है। पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को करने का सही समय, स्टार्ट करने का सही समय क्या होता है, इसके जवाब में राजा को आंसर मिलता है। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड, कुछ लोग कहते हैं, किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर उसको फॉलो करना चाहिए। ओके, ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। मतलब कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसी से पता चलेगा कि सही समय क्या है एंड उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, तभी राजा अपने सारे काम, एवरीथिंग प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा। ओके, अदर सेट, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों लोगों ने अलग अलग आंसर दिए थे, डिफरेंटली आंसर दिए थे, है ना। तो बाकी लोग उससे कहते हैं, अदर सेट दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने का राइट टाइम पता करना, एडवांस में पता करना, एडवांस मतलब होता है पहले से पता करना, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को सारी बातें नोटिस करनी चाहिए, नोटिस मतलब क्या होता है, ध्यान देना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, फुलिश प्लेजर्स मतलब क्या होता है, फालतू के एंजॉयमेंट में राजा को अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए और उसको सब कुछ नोटिस करना चाहिए। ओके, ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, हमेशा वही करना चाहिए जो भी उस वक्त, वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, जो भी ज़रूरी लग रहा हो वही करना चाहिए। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अब बाकी लोग क्या बोलते हैं,
डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. पहले के लोगों ने कहा कि टाइम टेबल बनाना चाहिए, और बाकी लोगों ने क्या बोला, जो भी उस समय ज़रूरी लग रहा हो उस पर ध्यान देना चाहिए राजा को. मतलब हम लोग पहले से एडवांस में डिसाइड नहीं कर पाएंगे, टाइम टेबल नहीं बना सकते, दूसरे लोगों ने कहा. ठीक है, किंग नीडेड अ काउंसिल. अब कुछ लोगों ने और भी उसको आइडियाज़ दिए. बाकी लोगों ने क्या बोला, किंग नीडेड काउंसिल ऑफ वाइज मैन. काउंसिल मतलब होता है ग्रुप ऑफ लोग, कुछ सलाहकार होते हैं. मतलब उन लोगों ने कहा कि राजा अकेले ये डिसाइड नहीं कर सकता और उसको कुछ काउंसिल की हेल्प लेनी चाहिए. बहुत सारे बुद्धिमान लोगों को एक ग्रुप बनाना चाहिए उनको, सलाहकारों का, और उनकी बात राजा को माननी चाहिए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल. मतलब वो लोग कह रहे थे कि एक आदमी कभी भी सब कुछ हर चीज़ का सही डिसीजन नहीं ले सकता अकेले, इसीलिए उसको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है. इसीलिए राजा को भी बहुत सारे वाइस मैन का एक ग्रुप रखना चाहिए, ओके, काउंसिल होनी चाहिए. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. और वही लोग डिसाइड करके राजा को बताएंगे, उनको एडवाइस करेंगे कि आपको क्या काम करना है. ठीक है, टाइम बताएंगे कि अब आप ये काम कर लो या फिर ये काम कर लो. मतलब वो डिसीजन लेंगे. बट देन अदर्स सेड. लेकिन अब बाकी लोगों ने कुछ और भी कहा, दैट सम थिंग्स कुड बी अर्जेंट. कुछ चीज़ें अर्जेंट हो सकती हैं. अर्जेंट का मतलब होता है जो तुरंत जिनका डिसीजन लेना हो. ठीक है, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. मतलब बाकी लोग कह रहे हैं कि काउंसिल का वेट नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें बहुत अर्जेंट होती हैं. इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर. अब बाकी लोग क्या बोल रहे हैं कि जो सलाहकार हैं, एडवाइस है, ये जो भी काउंसिल बनाई गई है ये किसी काम नहीं आएगी. जब कोई अर्जेंट काम आएगा तो राजा को खुद ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा. ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोचकर. इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू फ्यूचर. मतलब हमको भविष्य में देखकर डिसीजन लेना होता है. जैसे जो भी प्रॉब्लम आने वाली होती है उसके पहले से ही उसके अकॉर्डिंग हमको कुछ एक्शन लेना पड़ता है. ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. और ये सब कौन बताता है, आगे की बातें, ये सब जादूगर लोग जो होते हैं, मैजिशियंस होते हैं, वही बता सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. मतलब वो लोग कह रहे हैं कि राजा को मैजिशियंस, ये जो जादू वगैरह जानते हैं, ये जो पहले से बता सकते हैं, उनके पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन. अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है. सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सेकेंड क्वेश्चन था विच पीपल ही शुड लिसन टू. मतलब राजा को किसकी बात सुननी चाहिए. ठीक है, इफ दे ओके. तो सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए, विच पीपल ही शुड लिसन टू. इसके आंसर में राजा को लोग बोलते हैं, पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. मतलब काउंसलर्स की बात सुननी चाहिए, जो राजा के सलाहकार हैं, जो भी काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनकी बात सबसे ज़्यादा सुननी चाहिए. लेकिन बाकी लोग ने क्या कहा, अदर्स सेड द प्रीस्ट. प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी. ठीक है, तो जो लोग धर्म में इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं या फिर वैल्यू करते हैं, उन लोगों ने कहा कि राजा को सबसे ज़्यादा प्रीस्ट की बातें माननी चाहिए. जो भी ये पुजारी लोग ये बोलते हैं, इनकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि वो सही मार्ग दिखाएंगे. अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स. बाकी लोगों ने कहा कि राजा को डॉक्टर्स की बात सबसे ज़्यादा माननी चाहिए. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. बाकी लोगों ने कहा कि राजा को अपने सोल्जर्स की बात सबसे ज़्यादा माननी चाहिए. ओके, टू द थर्ड क्वेश्चन. ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा राजा के लिए इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है. राजा के पास तो बहुत सारे काम होते हैं, बट उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है, इसका इसके आंसर्स में राजा को बोलते हैं, सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. अब सबकी थिंकिंग अलग अलग टाइप की होती है, उसके अकॉर्डिंग लोग आंसर करते हैं. कुछ लोग कहते हैं साइंस की बातों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. ओके, जो वैज्ञानिक होते हैं, विज्ञान की बातें होती हैं, उन पे राजा को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. बाकी लोग कहते हैं फाइटिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई राजा पे हमला कर देगा या कुछ भी होगा तो तब राजा की यही सब कलाएँ जो फाइटिंग वगैरह की होती हैं वो काम आएंगी. इसलिए वो लोग कहते हैं कि फाइटिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. बाकी लोग कहते हैं कि रिलीजन यानी कि जो धर्म, पूजा, ये सब बातें होती हैं, इन पे राजा को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. ओके,
अब राजा को तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि उनको कितने अलग अलग टाइप के आंसर्स मिले हैं। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्योंकि सभी लोगों ने बहुत ही अलग अलग आंसर्स दिए थे, किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, ठीक है। राजा बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था उनके आंसर्स से। एंड रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब क्या होता है, इनाम या फिर पुरस्कार। तो राजा किसी को भी पुरस्कार नहीं देता। आपको याद होगा स्टोरी के स्टार्ट में राजा ने प्रॉमिस किया था कि जो भी सही आंसर लेकर आएगा उसको वो लार्ज सम ऑफ मनी देगा, ठीक है। लेकिन वो किसी से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ किसी के भी जवाब से, इसीलिए वो किसी को भी इनाम या पुरस्कार रिवॉर्ड नहीं देता है। इंस्टेड बल्कि वो क्या करता है, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। हर्मिट कौन होता है, हर्मिट मतलब होता है सन्यासी। तो राजा डिसाइड करता है, अब उसको किसी के भी आंसर सेटिस्फाइंग नहीं लगे, इसीलिए ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस। अब वो एडवाइस लेने जाता है एक हर्मिट के पास। हर्मिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, यानी सन्यासी जीवन जो होता है जिसमें लोग एकांतवास में रहते हैं, अलग जाके रहते हैं, सबके बीच में नहीं रहते, उनके पास वो जाता है। एंड हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, वो अपनी नॉलेज और अपनी जो भी ज्ञान की बातें हैं उसके लिए वो बहुत फेमस था। वाइडली नोन मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जाना जाना, तो उसको सब जानते थे कि ये बहुत ही मतलब विजडम है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी है, ज्ञान की बातें। तो राजा सोचता है मैं खुद ही जाके उनसे पता करता हूँ, ठीक है। हर्मिट लिव्ड इन अ वर्ल्ड वेयर ही नेवर लेफ्ट, ठीक है, ओके। द हर्मिट लिव्ड इन अ वर्ल्ड विच ही नेवर लेफ्ट, ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। अब क्या होता है, जो हर्मिट होता है लिव्ड इन अ वुड, वुड का मतलब यहाँ पे लकड़ी नहीं है, वो लकड़ी में नहीं रहता था, वुड का मतलब हम यहाँ पे देखेंगे स्मॉल फॉरेस्ट, जो छोटा सा जंगल होता है उसको वुड कहते हैं, ठीक है। तो जो हर्मिट होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो एकांतवास में रहना पसंद करते हैं, वो कभी भी लोगों के बीच में नहीं रहते, ठीक है। हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, तो वहाँ पे वो जो जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसके पास वहाँ पे ये सब नहीं होता था जैसे अपन लोग की नॉर्मल लाइफ होती है, बल्कि क्या होता था, बहुत ही सिंपल पीपल, वहाँ बहुत सीधे साधे लोग रहते थे जो उसने देखे थे। इसीलिए किंग डिसाइड करता है कि वो ऑर्डिनरी क्लोथ्स मतलब सिंपल कपड़े पहन के जाएगा, ठीक है, जिससे वो पहचान नहीं पाए कि ये राजा है। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, तो राजा अगर अपने घोड़े के साथ जाएगा, बॉडी गार्ड के साथ जाएगा, तो पहचान में आ जाएगा कि ये तो कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये राजा है। इसीलिए वो क्या करता है, अपने एकदम ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन के जाता है, मतलब एकदम सिंपल कपड़े। एंड द हर्मिट्स हट द, ठीक है, उसके झोपड़ी में जब जाता है तो वो बिल्कुल सिंपल तरीके से जाता है, अपने हॉर्स को छोड़ के चला जाता है, ठीक है। एंड बॉडी गार्ड वेंट ऑन अलोन, मतलब वो अकेले जाना प्रेफर करता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, ओके, इन फ्रंट ऑफ हिज, जैसे ही राजा केम नियर द, तो जब राजा आता है, किंग नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, ठीक है, वो गड्ढा खोद रहा था वहाँ पे। कौन गड्ढा खोद रहा था, हर्मिट, ओके।